नमस्कार दोस्तों, सियाची सीड्स की आत्मनिर्भर किसान सीरीज के 44वें एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है कृषि पर्यटन में मनोरंजन भी कमाई भी। एग्रो टूरिज्म यानी कृषि पर्यटन सैलानियों या आगंतुकों को मुख्य रूप से कृषि कामों के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्रों को देखने समझने का न केवल एक अवसर देता है, बल्कि गांव में रह रहे लोगों के लिए कमाई के नए साधन भी पैदा करता है। आइए जानते हैं कैसे होता है कृषि पर्यटन। कृषि पर्यटन में शहरी पर्यटक या विदेशी सैलानी आपके घर आते हैं, एक किसान की तरह रहते हैं, आपके साथ खेती के क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, बैलगाड़ी और ट्रैक्टर की सवारी करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं, स्थानीय लोक संस्कृति को समझते हैं, लोक नृत्य और गीतों का आनंद लेते हैं और खेती किसानी का अनुभव प्राप्त करते हैं। केवल इतना ही नहीं, पूरी तरह से शहरी हो चुके लोग अपने बाल बच्चों को गांव को नजदीक से दिखाने की इच्छा भी रखते हैं। कृषि पर्यटन के फायदे। एग्रो टूरिज्म यानी कृषि पर्यटन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। गांव में पर्यटकों को भोजन और आवास की सुविधा प्रदान करने, मछली पकड़ने, दूध दुहने और फसल कटाई प्रतियोगिता जैसे अवसरों में पर्यटकों की भागीदारी से अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। ग्रामीण शिल्प, पोशाक, ताजा कृषि उत्पाद और उससे बनी चीजों को पर्यटक अपनी स्मृति चिन्ह के रूप में खरीद कर साथ ले जाते हैं। शहरी बच्चे प्रकृति के करीब रहकर टिकाऊ जीवन जीने के कई अमूल्य सबक सीखते हैं। महाराष्ट्र के बारामती टूरिज्म सेंटर को एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। महाराष्ट्र की देखा देखी अब हरियाणा, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश वगैरह की राज्य सरकारों ने भी किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए किसानों को एग्रो टूरिज्म शुरू करने की अनुमति प्रदान की है। किसानों का कल्याण सयाजी सीड्स की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। आत्मनिर्भर किसान सीरीज ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के साथ साथ आपके परिवार को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सेवाओं का खर्च उठाने में भी मदद करती है। सयाजी सीड्स के नए वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।